नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में बैटिंग के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी जड़ने वाले वो इकलौते बल्लेबाज हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल रन उन्हीं के नाम दर्ज हैं। तेंदुलकर की लोकप्रियता सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम क्रिकेटिंग देशों में उनकी फैन फॉलोइंग है। क्रिकेट के तमाम दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का सम्मान करते हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मोहम्मद अशरफुल ने तेंदुलकर को लेकर एक किस्सा बताया है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। उन्होंने बताया कि एक बार तेंदुलकर ने उनकी माँ के हाथ का बना हुआ पूरा खाना खा लिया था और वो एकदम हैरान रह गए थे। अपने समय में सचिन तेंदुलकर भारत ही नहीं दुनिया के तमाम क्रिकेटरों के लिए रोल मॉडल थे। अशरफुल क्रिकेटर बनने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल बॉय भी रह चुके हैं। उन्होंने तेंदुलकर को पहली बार खेलते हुए बांग्लादेश के बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में ही देखा था और उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाई थी। इसके बाद सालों बाद अशरफुल ने तेंदुलकर को वो फोटो दिखाई और मास्टर ब्लास्टर ने उस फोटो को देखकर हैरानी जताई थी। अशरफुल ने यूट्यूब लाइव वीडियो पर पूरा किस्सा शेयर किया। अशरफुल ने सचिन के साथ हरभजन सिंह और उस समय के मुंबई इंडियंस के वीडियो एनालिस्ट को अपने घर बुलाया था। अशरफुल के घर पर सचिन जिस तरह से खाना खा रहे थे उसे देखकर ये बांग्लादेशी क्रिकेटर हैरान रह गया था। अशरफुल को लगा था कि तेंदुलकर कम खाते होंगे और अपनी पर्सनल लाइफ में काफी हिसाब से रहने वाले होंगे। अशरफुल ने बताया उनकी माँ ने पुलाव, रोटी, चावल, मछली, मीट, सब्जियाँ, दही और मिठाई बनाई थी और तेंदुलकर ने सब कुछ खाया था। उन्होंने कहा, विश्वास मानिए, मेरी माँ ने जो भी बनाया था सचिन ने सब खाया था। उन्होंने काफ़ी दही और मिठाई भी खाई थी। मैं उनसे पूछ नहीं पाया कि वो इतना कैसे खा सके। अशरफुल ने बताया एक समय सचिन ने खुद कहा था, मैं ज़्यादातर समय कम खाता हूँ, मैं काफ़ी हरी सब्जियाँ खाता हूँ, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन होता है तो मैं मन भर कर खाना खाता हूँ। अशरफुल बांग्लादेश के लिए 170 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उनके खाते में 3498 रन और 18 विकेट भी दर्ज हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।